में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के मद्देनजर आज यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मेरठ पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान स्वतंत्र देव शिक्षक नेता रहे, पूर्व एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा के घर भी गए, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया था। वहीं नव निर्वाचित एमएलसी अश्विनी त्यागी के आवास पर भी स्वतंत्र कुमार पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इस दौरान बीजेपी के विधायक संगीत सोम समेत शहर भर के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगीत सोम ने किसान आंदोलन में कल हुई हिंसा को लेकर कहा कि किसानों के बीच कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं और उन्होंने ही हिंसा की। किसानों को समझना होगा कि सरकार उनसे बात कर रही है और कोई भी आंदोलन हिंसा को साथ लेकर नहीं चल सकता। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवेद खान की रिपोर्ट। कुल मिलाकर आज मेरठ आगमन एक तो आदरणीय ओम प्रकाश जी के निवास स्थान पर जाना था, शिक्षक नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ईश्वर से प्रार्थना, उनके चरणों में श्रद्धांजलि किया और ईश्वर से प्रार्थना किया कि अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। बाकी कार्यकर्ताओं में हमारे रविंद्र जी के पिताजी का देहांत हो गया था, अश्विनी जी एमएलसी हो गए थे, इसलिए शुभकामनाएं देने आए हैं। अवनीश त्यागी जी थे, उनके घर जाना हुआ। अब रास्ते में जहां जहां रुकना। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस समय पंचायत को चुनाव को लेकर आज मुजफ्फरनगर, कल सहारनपुर में मीटिंग है। संगठन को सक्रिय करना और संगठन के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक लक्ष्य के लिए काम करता है, एक ध्येय के लिए काम करता है, एक उद्देश्य के लिए। राजनीति उसका मिशन है, व्यापार नहीं है। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूँ नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ।